हे गाइस, वेलकम टू द चैनल स्ट्राइकर सैक। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इजीली बोन मिल क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीड्स। वो क्या रहते हैं, वीट सीड। और आपके पास दूसरा सीड भी है तो उसके थ्रू भी हो जाएगा। सो जस्ट कंपोस्टर के थ्रू हमें ये करना है। तो उसके लिए दो हॉपर, दो चेस्ट एंड एक कंपोस्टर लगेगा। तो पहले मैं बता देता हूँ एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पास भाई इतना मतलब छोटा सी एक वीट का फार्म है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, थ्री स्टेप में है बस, ठीक है। तो इतने फार्म में मतलब इतना मतलब सीड आ जाता है कि पूरा भर जाता है। आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी सारा भरा हुआ है। तो फिलहाल मैं यहाँ से ले तो लेता हूँ अभी और उधर दूसरी जगह रख देंगे। सो यहाँ पर मैं बस चार स्टैक छोड़ता हूँ ताकि बाद में नेक्स्ट टाइम पे जो यहाँ पर लगाना रहेगा तो यहीं से ले लेता हूँ मैं। एंड ये तो अपन वीट उठा लेते हैं पूरा, वीट की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। चलो। मैं अपने जस्ट जो छोटा सी अपना घर है ऊपर वहीं पे जस्ट बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर वहीं रहता हूँ। चलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मैं ट्राई वगैरह करके देख चुका हूँ, सब बराबर काम कर रहा था। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ गड्ढा खोद लेते हैं ताकि ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि अपने को जो हॉपर है और कंपोस्टर है ये एक के ऊपर एक ही चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चेस्ट लगाता हूँ, ठीक है, ये चेस्ट हो गया भाई। एंड यहाँ पर अपने को हॉपर चाहिए, चेस्ट से कनेक्ट करते हुए। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन आपके सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं चेस्ट, ये चेक करना है। तो आप जस्ट चेक कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर वीट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये वीट इधर आ गया चेस्ट में, मतलब काम हो जाएगा अपना। अब इसके ऊपर अपने को रखना है कंपोस्टर। मैं आपको यहाँ पे क्राउच करके कंपोस्टर लगा देना है जस्ट इसके ऊपर। अगर आप इसके साइड में हॉपर लगाओगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो जस्ट आपको यहाँ पर एक हॉपर लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्राउच करने की ज़रूरत तो नहीं है, जस्ट एक हॉपर लगाते हैं। एंड देन चेस्ट, इसके हॉपर के ऊपर ही चेस्ट लगेगा आपका। अगर आप चेस्ट नीचे लगा दोगे यानी साइड वगैरह में लगा दोगे हॉपर में तब भी ये काम नहीं करेगा, तो ऊपर ही चाहिए। जस्ट हम यहाँ क्या करते हैं, जितने भी लाए थे ये सारे यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये यहाँ से खाली होते जा रहा है, 62, 60, मतलब 61, ये पूरा खाली हो जाएगा, ये पूरा इधर आते जाएगा। या यहाँ पर तो सिर्फ एक ही आया है अभी, अदरवाइज ये पूरे आते जाएंगे और ये कंपोस्टर भरते जाएगा। और इसके थ्रू हमें जो है यहाँ पर बोन मिल, जैसे ये एक मिल गया, एक्चुअली इसका लेवल रहता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेंटर में राइट साइड पे जो लेवल दिखा ना 6, 7, तो इसका कंपोस्टर का लेवल मैक्सिमम 8 होता है। तो ये लेवल जब 8 हो जाएगा तो वो एक बोन मिल जनरेट कर देता है, तो वो जस्ट आपका होपर के थ्रू चेस्ट में आ जाएगा। सो गाइज़, ये आज एक छोटा सी टिप्स एंड ट्रिक्स समझ सकते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर चेस्ट भरा पड़ा है, ये पूरी भरी है। तो ये मैं ऐसा करूँगा कि अब जब भी मैं कुछ काम से जाया करूँगा यहाँ पर चेस्ट भर दिया करूँगा। ये जनरेट होते रहेंगे, तो फिर मैं ये अपने पास रख लेता हूँ, फिर से पूरी चेस्ट में भर देता हूँ, क्योंकि ये भाई कुछ काम ही नहीं रहता इसका। हाँ, एक आध रहने देता हूँ भाई, चूज़ों को मुर्गियों को खिलाने के काम में आएगा। एंड वीट तो पूरा यहाँ रख देते हैं, वीट का तो अपने को काम पड़ते रहेगा, ठीक है। जस्ट यहाँ भर देता हूँ मैं पूरा, और इससे अपने को एक बाद में आराम से एक नंबर बोन मिल मिल जाएगा। और बोन मिल का काम आप कर सकते हो पम्पकिन एंड वाटर मेलन उगाने के लिए भाई, क्योंकि उसके रूट्स जो है सिर्फ एक बार ग्रो होते हैं। तो आप फटाफट उसको ग्रो कर सकते हो, और फिर आप देख सकते होंगे सामने जो एक साइड लगा हुआ है अपना पम्पकिन का और एक साइड वाटर मेलन का, तो ये एक एक बार ही बढ़ते हैं खाली रूट, और सिर्फ आपको हर बार पम्पकिन वो मिलते जाएगा एक ही बार लगाने पर। तो ये भी काफ़ी सही है। तो बोन मिल का आप यूज़ कर सकते हो इसके थ्रू। एंड ट्रीज़ वगैरह भी आपको जल्दी, अगर लकड़ी का काम है तो ट्रीज़ को जल्दी ग्रो करवा सकते हो उससे आप। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लग बाय, हैव अ ग्रेट डे।